सारा अली खान की आई है एक नई मूवी जिसका नाम है गैसलाइट। ये आपको हॉटस्टार पर देखने को मिलेगी। बात करें मूवी के जॉनर की तो ये एक हॉरर प्लस थ्रिलर मूवी है। इसको देखते समय आपका दिमाग भी मूवी के कैरेक्टर के साथ साथ चलता रहेगा। वैसे तो बॉलीवुड वालों से उम्मीद नहीं थी कि वो इतनी अच्छी मूवी बना पाएंगे, पर हालांकि उन्होंने ये मूवी बनाई है और ये मूवी काफी हद तक सही है। शुरू से लेकर एंड तक आपको हॉरर वाला फील तो आएगा, लेकिन सारा अली खान की एक्टिंग इस मूवी में काफी अच्छी है और सस्पेंस और थ्रिल तो इसमें इतना है कि आप सोच भी नहीं पाएंगे कि एंड में किलर है कौन और ये मार क्यों रहा है लोगों को। कुछ सीन तो इस मूवी के आपको अंदर तक हिला के रख देंगे क्योंकि काफी डरावने और काफी क्रीपी से हैं। जिस तरीके से इन लोगों ने हॉरर का टच दिया है वो काफी हद तक सेटिस्फाइंग करने वाला है। अब आप अगर अपने 2 घंटे किसी मूवी के लिए लगा रहे तो आपको पता रहना चाहिए कि आप जा किसके लिए रहे। हालांकि इस मूवी को एंड तक देखने के बाद आप बिल्कुल सेटिस्फाई रहेंगे और आपको कोई भी कंप्लेंट नहीं होगी क्योंकि कहानी इस मूवी की काफी अच्छी है। अब बात करें मूवी की कहानी की तो ये एक राजा महाराजा के टाइम की कहानी है जहाँ पे उनकी एक बेटी है जिसका नाम है मीशा, जो कि एक हैंडीकैप्ड है और वो अपने पुराने मेंशन में वापस आती है अपने डैड से मिलने के लिए। अब जैसे ही वो अपने राजमहल में आती है वहाँ पर वो महसूस करती है कुछ अजीब सी हरकत है। कुछ सीन्स में तो आपको ऐसा लगेगा कि ये कैरेक्टर हकीकत में है लेकिन वो होता नहीं है। जैसे ही कोई मेन कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होता है उसके कुछ टाइम बाद ही उस कैरेक्टर की मौत हो जाती है। अब मारता कौन है ये तो सस्पेंस है, ये तो मूवी के अंदर आपको पता चलेगा, लेकिन अगर ओवरऑल इसको देखा जाए तो ये मूवी देखने लायक है। सारा अली खान ने अपने ग्लैमर के अलावा इस मूवी में रियल एक्टिंग करी है जो कि काफी रेयर बात होती है। अब जो राजा की बेटी है उसको उस महल में किसी आत्मा के होने का एहसास सा हो रहा है। इस मूवी की सबसे बड़ी USP ये है कि इसमें किलर कौन है ये आपको एंड तक पता नहीं चलेगा और वो मर्डर कर क्यों रहा है। सारे कैरेक्टर्स की इम्पोर्टेंस बिल्कुल सही दिखाई गई है इस मूवी में और सारा अली खान से उम्मीद नहीं थी कि वो इतनी अच्छी एक्टिंग कर पाएगी, लेकिन उन्होंने करके दिखाई है। और अगर बात करें फिल्म की ओवरऑल परफॉर्मेंस की तो आप इसको ट्राई जरूर कर सकते हैं। मूवी अच्छी है, आपको पसंद जरूर आएगी। इसमें ना ही कोई सॉन्ग है और ना ही कोई अलग सा चूतियापा, सस्पेंस और थ्रिल बहुत है तो आपको मजा जरूर आएगा। बस इसको देखने से पहले दिमाग से ये निकाल देना कि ये जो एक्टिंग कर रही है सारा अली खान है, वरना आप खुद भी विश्वास नहीं कर पाएंगे। बाकी शॉक तो आप हो जाएंगे फिल्म की कहानी देखकर। बाकी अगर बात और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।